शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का निधन हो गया है। इस वक्त दुखद खबर आ रही है। 99 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का निधन हो गया है। 99 साल की उनकी उम्र, और जो खबर आ रही है वो ये कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का निधन हो गया है। ज्योतिष पीठ के पीठाधीश और आदिगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का निधन हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हुआ है। एमपी के नरसिंहपुर में स्वामी स्वरूपानंद का निधन हुआ है। रवीश पाल सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके। रवीश जी, बिल्कुल, एक दुखद खबर सामने आई है। और आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने अपना 99वां जो जन्मदिन है वो मनाया था। और हाल ही में 30 अगस्त को जब ये जन्मोत्सव मना था, तो उस दौरान बकायदा शंकराचार्य जी के जन्मोत्सव पे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो कि अनन्य भक्त माने जाते हैं उनके, और साथ ही में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम लोगों ने उनसे मिलकर के उनका आशीर्वाद लिया था। लेकिन ये नहीं पता था कि उसके कुछ ही दिन बाद ये दुखद खबर भी सामने आएगी। आपको बता दें कि अपने बयानों को लेकर के खासे एक तरीके से देखा जाए तो सुर्खियों में बने रहते थे शंकराचार्य जी, और खासतौर से अगर देखा जाए तो बेहद ही ज्ञानी शंकराचार्य थे, और इसलिए बड़ी बड़ी हस्तियां जो थी वो इनके दरबार से इनका आशीर्वाद लेने के लिए मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर अब तक जाती रहती थी। लेकिन आज अचानक से ये जब खबर आई है तो सब में, जो पूरे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो इन सभी भक्तों में शोक की लहर है। शुक्रिया रवीश तमाम जानकारी के लिए।